कहानियों की श्रृंखला में आज मैं आपके लिए एक और बहुत ही रोचक और अलग कहानी लेकर आया हूँ। आइए आज मैं आपको एक युवा लेकिन बहुत ही प्रतिभाशाली जादूगर की कहानी सुनाता हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ संदीप कटारिया और स्वागत है आपका आप ही के चैनल पर। लगभग 50-60 साल पहले भारत के एक छोटे से लेकिन हलचल भरे शहर में विक्रम प्रताप नाम का एक युवक रहता था। उसे जादू से बहुत लगाव था। विक्रम प्रताप अब एक युवा जादूगर बन चुका था जिसे जादू सीखना और जादू के करतब दिखाने का बहुत शौक था। उसने बेहतरीन उस्तादों से जादू सीखा था और अपने हुनर को निखार कर अब वह भारत के सबसे प्रतिभाशाली जादूगरों में से एक बन गया था। हालांकि उसके द्वारा दिखाए जाने वाले जादू केवल हाथ की सफाई ही थे, परंतु न जाने क्यों कुछ लोगों को ऐसा लगता था कि विक्रम वाकई बहुत असंभव काम कर सकता है। इसलिए उसे कुछ लोगों से कुछ खास काम करने के लिए अनुरोध मिलने लगे। ये अनुरोध कुछ भी हो सकते थे, जैसे उनका खोया हुआ सामान ढूंढना या अपने प्रतिद्वंदी का मन बदल लेना ताकि इनका काम ज्यादा चल जाए, या किसी को इच्छा के विरुद्ध उनसे शादी के लिए राजी करना इत्यादि इत्यादि। लेकिन विक्रम ने ऐसे अनुरोधों को अनदेखा कर दिया और वह अपना ध्यान अपने काम पर ही केंद्रित रखता था। विक्रम को न मालूम था कि उससे नाखुश लोगों की संख्या दिन पर दिन बढ़ती चली जा रही है, सिर्फ इसलिए क्योंकि विक्रम ने उनकी बात मानने से मना कर दिया था। कुछ लोग तो अब विक्रम को सबक सिखाने का मौका भी तलाशने लगे। लेकिन एक दिन विक्रम की दुनिया ही पलट गई। उसकी छोटी बहन रूपा को उनके घर से अगवा कर लिया गया। पुलिस बुलाई गई। पुलिस ने नियमित कार्रवाई करी, लेकिन वे कुछ भी मदद करने में असमर्थ ही दिख रहे थे। विक्रम अपनी बहन को जल्द से जल्द ढूंढने में दृढ़ संकल्प था। उसे पता था कि उसे जल्दी से जल्दी काम करना होगा, लेकिन क्या वह अधिकारियों को अपनी तलाश में शामिल करे या वह अकेले ही मामले को सलटाए, इस उलझन में भी वह उलझा हुआ था। पर विक्रम ने जल्द ही पूरे मामले को अपने हाथों में लेने का फैसला किया। उसने सुराग खोजने और अपहरणकर्ताओं का पीछा करने के लिए अपने जादू के कौशल और बुद्धिमत्ता का इस्तेमाल करने का फैसला किया। विक्रम ने घर के अंदर सुरागों की तलाश करनी शुरू कर दी। शायद यहीं से उसे रूपा के अपहरणकर्ताओं के बारे में पता लग जाए। उसे अधिक मेहनत नहीं करनी पड़ी। विक्रम को जल्दी ही घर के एक कोने में एक छोटा सा कागज मिल गया और उसमें लिखा था, लाल पगड़ी वाले आदमी की तलाश करो। विक्रम जानता था कि ये सुराग उसकी बहन ने ही छोड़ा है, परंतु उसे मालूम नहीं था कि उसकी तलाश कहां से शुरू करनी है। इसलिए उसने अपना भेष बदला और बाजार में पहुंच गया। एक मामूली से ठेले वाले के भेष में उसने बाजार में अलग अलग लोगों से सवाल पूछने शुरू किए। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको ये कहानी पसंद आ रही होगी। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस चैनल पर बहुत सारी कहानियाँ हैं जिनके व्यूज़ लाखों नहीं मिलियंस तक पहुंच गए हैं। इसे लोगों ने बहुत पसंद किया है, बहुत प्यार दिया है, और उन सब कहानियों की एक प्लेलिस्ट हमने बनाई है जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और ऊपर आई बटन में मिल जाएगा। इस कहानी को देखने के बाद आप उन कहानियों को भी चेकआउट कर सकते हैं। आइए अब आगे बढ़ते हैं। घंटों की खोज के बाद विक्रम को आखिरकार एक आदमी दिख ही गया जिसने लाल पगड़ी पहनी हुई थी। वह व्यक्ति कुछ संदिग्ध लग रहा था और वह जल्दी जल्दी सामान खरीदता हुआ दिखाई दिया। चुपचाप से विक्रम ने उसका पीछा करना शुरू कर दिया। चलते चलते विक्रम एक सुनसान ठिकाने पर पहुंच गया। ठिकाने के पास पहुंचकर विक्रम का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसे पता था कि उसे सावधान रहना होगा, क्योंकि पता नहीं कब और कहाँ से खतरा आ जाए। विक्रम ने सावधानी से इमारत का चक्कर लगाया और एक खुली खिड़की उसको मिल गई। उसने चारों तरफ फिर से देखा और चुपचाप से उस खिड़की के माध्यम से उसने इमारत के अंदर प्रवेश किया। जब वह ठिकाने में घुसा
तो विक्रम ने दुष्ट से लगने वाले व्यक्तियों का समूह देखा। उसकी बहन रूपा को भी एक कोने में कुर्सी से बांधकर बिठाया हुआ था और उसका मुंह भी बंद किया हुआ था। ये लोग हथियारबंद थे और बहुत खतरनाक लग रहे थे। विक्रम जानता था कि इन लोगों को मात देने के लिए उसे जादू और भ्रम यानी कि इल्यूजन का इस्तेमाल करना होगा और ये सब कौशल उसके पास थे। उसने अपने जादू का इस्तेमाल शुरू किया। सबसे पहले उसने उन बदमाशों का ध्यान भटकाने की कोशिश करी। कैसे? वो एक ही स्थान पर अलग अलग जगह पर दिखने लगा, जैसे तीन विक्रम, दो विक्रम, और उसने फिर धुएं के बादल प्रकट किए जिसमें भूत प्रेतों की परछाइयां भी दिखने लगी। कुछ अपहरणकर्ता तो डर गए, घबरा गए, परंतु कुछ अपहरणकर्ता विक्रम की ओर उसे मारने के लिए उसकी तरफ दौड़े। अब विक्रम ने एक और तरकीब अपनाई। उसने अपना सम्मोहन का जाल फेंका और ऐसे इशारा किए जैसे मानो वह उनकी तरफ पत्थरों और सांपों की बारिश कर रहा हो। इससे कुछ और अपहरणकर्ता रुक गए, घबरा गए, विस्मित हो गए, परंतु कुछ अपहरणकर्ताओं ने अभी भी हार नहीं मानी। इसके बाद विक्रम ने दिशा निर्देश कौशल का इस्तेमाल करते हुए अपने अपहरणकर्ताओं को ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि वह एक तरफ जा रहा है जबकि वास्तव में वह दूसरी तरफ जा रहा था। ऐसे उसने कई भ्रम पैदा किए, जैसे कि वह अपनी मर्जी से गायब हो रहा था और फिर प्रकट भी हो रहा था। अपहरणकर्ता और भी ज़्यादा विस्मित, भ्रमित और हैरान हो गए। वह विक्रम की तेज सोच और चालाक चालों का सामना करने में असमर्थ होते गए। एक उपयुक्त अवसर पाकर जल्दी से विक्रम ने रूपा को मुक्त किया और वे अब इमारत से बाहर भागने लगे, लेकिन अभी भी कुछ अपहरणकर्ता उनके पीछे पड़े हुए थे। विक्रम ने फिर अपने जादू का इस्तेमाल किया और एक अंतिम भ्रम पैदा किया, जैसे कि मानो वे लोग भाग रहे हैं परंतु एक ही चक्कर में घूम रहे हैं और वह कहीं पहुँच नहीं पा रहे हैं। अपहरणकर्ता अब बहुत थक गए थे। ऐसे में विक्रम और रूपा को सफलतापूर्वक वहां से निकल भागने में मौका मिल गया। जैसे ही वे उस ठिकाने से बाहर निकले, सामने से उन्होंने पुलिस को आते हुए देखा। किसी अनजान व्यक्ति ने पुलिस को टिप ऑफ कर दिया था। अपहरणकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया गया और विक्रम और रूपा को एक नायक और नायिका के रूप में पूरे शहर में सम्मानित किया गया। तो देखा आपने कैसे विक्रम ने अपनी बहन के अपहरणकर्ताओं को चकमा देने और बहन को बचाने के लिए जादूगर के रूप में अपने कौशल का इस्तेमाल किया। उसने साबित कर दिया कि सबसे बुरे समय में भी थोड़ा सा जादू बहुत काम आ सकता है। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी और याद रखिएगा कि हमें जादू नहीं सीखना है, हमें तो बस बुद्धिमत्ता, रचनात्मकता यानी कि क्रिएटिविटी और दृढ़ संकल्प का इस्तेमाल करना है जब हमारे सामने चाहे कितनी भी बड़ी या छोटी चुनौती आ जाए। हमारी ये स्किल्स हमें उन सब को पार करने में, उन सब पर विजय पाने में ज़रूर मदद करेगी। याद रखें, कल्पना शक्ति और तेज सोच ज़रूरत के समय आपके सबसे बड़े हथियार हो सकते हैं। दोस्तों, अंत तक मेरे साथ इस वीडियो में रहने के लिए आपका धन्यवाद और कहानियों की प्लेलिस्ट का लिंक ऊपर आई बटन में और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। आपको ये कहानी कैसी लगी ज़रूर नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। मुझे आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। धन्यवाद।